लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। तो बीजेपी को कोई टच ही नहीं कर पाया। अब सीधे आपको लिए चलते हैं कृष्णपाल गुर्जर के पास, जहां पर हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी उनसे कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की इस बंपर जीत के बाद उपचुनाव में जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कौन जीतेगा, अब यह स्पष्ट हो चुका है। चाहे वो नई पार्टियों की बात की जाए या फिर जो पार्टियां टूट करके अलग हुई हैं उनकी बात की जाए, सबका खाका अब सामने आ चुका है। और हमारे साथ पहली प्रतिक्रिया इस जीत के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं, उनसे जानते हैं आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। 14,686 वोट जो हैं वो कृष्ण मिड्डा को जींद की धरती पर मिले हैं, जनादेश के तौर पर मिले हैं, अतिरिक्त जो वोट मिले हैं मतलब इतनी लीड उनकी तरफ से वहां पर दी गई है और करीब 48,000 का जो आंकड़ा है, कुछ देर में आंकड़ा भी स्पष्ट हो जाएगा, ये आंकड़ा उन्होंने जनमत के तौर पर जींद की जनता से लिया है। इसके लिए मैं सबसे पहले बधाई दूंगा जींद विधानसभा के उन मतदाताओं को जिनके कारण भारत प्रत्याशियों को वहाँ अभूतपूर्व जीत प्राप्त हुई है। दूसरा श्रेय देना चाहूँगा मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, जिनकी नीतियों पर, जिनके विकास पर, जिनके सुशासन पर हरियाणा के जींद के लोगों ने मोहर लगाई है। और चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये लोकसभा चुनाव पर इस चुनाव का असर होगा और वो बात सिद्ध हो गई है कि 2019 फिर से मोदी जी का है और 2019 हरियाणा फिर से मनोहर लाल जी का है। ये संदेश इस चुनाव का चला गया है और इसका एकमात्र कारण है कि पिछले 4.25 सालों में मनोहर लाल जी ने जो भ्रष्टाचार मुक्त जो सरकार प्रदेश के लोगों को दी है, जो सुशासन और समान विकास हरियाणा में किया है, योग्यता के आधार पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया है और जिस तरह डिजिटलाइजेशन पूरे हरियाणा में ऑनलाइन सिस्टम किया है, ट्रांसपेरेंसी हर काम में लेकर आए, ये सब उसका नतीजा है। और कांग्रेस के जख्मों को आज भी हरियाणा के लोग नहीं भूले हैं। जिस तरह 2014 में हरियाणा के मतदाताओं ने वोट की चोट कांग्रेस को दी थी, जिससे अब तक भी कांग्रेस और विपक्षी दल उभर नहीं पाए हैं। तो उन दलों के लिए क्या कहेंगे जो नए दल बने थे या फिर जो दल टूट करके अलग अलग हुए थे? राजकुमार सैनी जो कि आप ही की पार्टी के सांसद हैं, हालांकि आंकड़ा 13,000 के करीब का आंकड़ा जो है वो उन्हें भी जनमत के तौर पर मिला है, जमानत भले ही ना बची हो। इंडियन नेशनल लोकदल करीब 3200 का आंकड़ा ही छू पाई है और दूसरी तरफ जेजेपी की अगर हम बात, देखिए मैं किसी परिवार की टूट पर और कांग्रेस की फूट पर नहीं जाना चाहता, ये उनके दलों का अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं सीधी सी एक बात पर जाना चाहता हूँ कि जो देश में 2000 जो विश्वास और निराशा का माहौल था, आज उस अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम और निराशा को आशा में बदलने का काम देश में मोदी जी ने किया है और प्रदेश मनोहर जी ने किया। आज ये उसी का नतीजा है कि इस तरह का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। और जो दल चुनाव के दौरान कहते थे, जिन विपक्षी दलों के नेता रोज बयान देते थे कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा, आज उनको खुद आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि हरियाणा के लोग उसको किस रूप में देखते हैं। आज भी हरियाणा के लोगों का विश्वास मोदी और मनोहर जी पर अटूट बना हुआ है। आप फरीदाबाद से लोकसभा सांसद हैं, केंद्र में राज्य मंत्री हैं, यकीनन आपकी तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर के जरूर चल रही होगी। अब क्या आप इस रिजल्ट के बाद, इससे पहले 5 नगर निगम का भी हमने रिजल्ट देखा है, क्या इसके बाद अब ये माने कि चुनाव जो है वो लोकसभा के साथ भी हो सकता है हरियाणा की, खासतौर से अगर हम बात करें, आप तैयार हैं अगर ऐसी भी कोई स्थिति आती है तो? देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और हमारी पार्टी ने भी कहा है, हमारी सेनाएं हमेशा मैदान में रहती हैं, वो कभी विश्राम नहीं करती, वो लगातार मैदान में जनता के लिए लगी रहती हैं, काम करती रहती हैं। ये चुनाव आयोग ने देखना है कि चुनाव कब कराना है और जब भी चुनाव आयोग चाहेगा भारतीय जनता पार्टी और मनोहर जी की सरकार उसके लिए हमेशा तैयार है। इस
जीत को लेकर के अगर श्रेय की बात करें, हालांकि आपने बताया कि मुख्यमंत्री को आप इसका श्रेय दे रहे हैं, जनता जिस तरीके से वहां पर इंतजार कर रही है, अब जींद की में जो दावे वादे किए गए थे, इतना समय है कि जींद में इस तरीके का परिवर्तन आप दिखा पाएंगे? देखिए, मनोहर लाल जी की सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है और उनकी कथनी और करनी पर लोगों ने विश्वास जाहिर किया है। इस जीत का मनोहर जी की सरकार को और सबसे ज़्यादा जींद के उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है जिन्होंने अटूट मेहनत इस चुनाव में की है। ये उस मेहनत का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत जींद में मिली है। जींद की जंग, रोज चैनल कहते जींद की जंग कौन जीतेगा, जींद की जंग जीती है जींद के मतदाताओं ने, जीत के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हरियाणा की सरकार ने। हरियाणा के जो प्रभारी हैं अनिल जैन, उन्होंने एक बयान दिया था कि जींद की राजनीति बदलेगी तो हरियाणा की राजनीति बदलेगी, इस तरीके का बयान उन्होंने जींद में दिया था। इस बयान को किस तरीके से देखते हैं और किस प्रकार की वो राजनीति है जो अब परिवर्तन के तौर पर देखने की? देखिए, हमारे प्रभारी जी ने ठीक कहा, जींद कभी भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत नहीं कर पाई थी। पहली बार जींद में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। इसका सीधा सा संदेश है कि जींद के साथ साथ अब तमाम जगह कमल बहुत तेजी से खिलेगा। जब ऐसी खिला जहां कमल नहीं खिलेगा, तो आप किस तरीके से देखते हैं ये जो जातिगत जो नारे दिए जा रहे थे या फिर एक प्रोपेगेंडे बनाए जा रहे थे, उससे कहीं ना कहीं तुलना करते हैं, विकास को ध्यान में रखते हुए करते हैं, किस तरीके से आप इस जीत को इन दूसरे मायनों में देखते हैं? देखिए, जीत में हम कभी अपना होश नहीं खोते और हार हमें कभी निराश नहीं, इसलिए इस जीत पर हम किसी के लिए कोई ऐतराने की बात नहीं है। इस पर हमको ये जरूर कहना है कि अपने जो कार्यकर्ता हैं, एक उनमें उत्साह का संचार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पास जो कार्यकर्ता रूपी पूंजी है, ये किसी दल के पास नहीं है और ये उस पूंजी का ही करिश्मा है जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। और आप मान कर चलिए, जो मैंने पहले कहा कि 2019 में भी देश में फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और हरियाणा में फिर से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, हालांकि बात हम जींद उपचुनाव की कर रहे हैं, हरियाणा की 10 सीटों में आप किस तरीके से इस चुनाव का असर मानते हैं? देखिए, चुनाव के असर से भी पहले जितने सर्वे हो रहे हैं, किसी भी टीवी का सर्वे है, वो सारे सर्वे 10 में से 8 सीटें 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। ये चुनाव से पहले का माहौल भी इस तरह का सर्वे हरियाणा के मतदाता रहा है, लेकिन कि इस बार शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से कृष्ण पाल गुर्जर ये कह रहे हैं कि इस जीत पर कोई ज्यादा हमें खुश होने की या इतराने की ज़रूरत नहीं है, बड़े ही आश्वस्त तरीके से एक कॉन्फिडेंस जो बयान उनके बयान में दिख रहा था, वो यह बता रहा था कि आने वाले चुनावों में भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो जाने वाले हैं। दावा यहाँ पर 10 की 10 सीटों का किया जा रहा है, चाहे वो लोकसभा की बात की जाए, और अब कयास जो है वो विधानसभा चुनाव की अवधि को लेकर के भी लगने लगे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 5 नगर निगमों में भी पीछे जीती है, और आगे अगर हम बात करें तो इसी तरीके से जींद उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रहता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब एक बार फिर कयासों का बाजार गर्म नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्णपाल गुर्जर को लगातार सुन रहे थे आप। गेस्ट पैनल में कुछ नए गेस्ट भी आए हैं, इनसे भी बात करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।